हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 336 का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे चलते हैं। जो फर्स्ट प्रॉब्लम था, काउंट द नंबर ऑफ वॉवल स्ट्रिंग इन रेंज। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या गिवन था हमें? एक जीरो इंडेक्स्ड एरे गिवन है वर्ड्स नेम से, एंड दो और इंटीजर्स लेफ्ट एंड राइट गिवन है। सो बेसिकली हमसे पूछा गया है कि लेफ्ट और राइट इस रेंज में, इंक्लूडिंग लेफ्ट एंड राइट इंडेक्स, इस रेंज में कितने वॉवल स्ट्रिंग्स हैं वो काउंट करने के लिए। एंड वॉवल स्ट्रिंग्स कौन कौन से हैं? वॉवल स्ट्रिंग उन्हें हम बोलेंगे जिनका फर्स्ट कैरेक्टर वॉवेल हो और लास्ट कैरेक्टर वॉवेल हो। जिसमें लिखा है वॉवल स्ट्रिंग इफ स्टार्ट विथ अ वॉवल कैरेक्टर एंड एंड विथ अ वॉवल कैरेक्टर। सो हमें कितने वैसे वॉवल स्ट्रिंग हो पाएंगे उस रेंज में, लेफ्ट से राइट के बीच में, इंक्लूडिंग लेफ्ट एंड राइट। सो वो फाइंड करना था। सो बेसिक इसमें कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, फर्स्ट हमें क्या चेक करना है, कोई भी स्ट्रिंग वॉवल है कि वॉवल स्ट्रिंग है कि नहीं, फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर चेक करना है, एंड रेंज हमें गिवन है। सो हमें क्या गिवन था? हमें स्ट्रिंग एरे गिवन था, एक लेफ्ट इंडेक्स गिवन था एंड एक राइट इंडेक्स गिवन था। सो हमें लेफ्ट से लेके लेफ्ट प्लस वन एंड सो ऑन राइट इंडेक्स तक कितने वॉवल स्ट्रिंग हैं वो फाइंड करना था इस स्ट्रिंग एरे में। सो कैसे हम चेक करेंगे? चेक करना क्या है, हमें जो भी वर्ड्स गिवन है, सो सपोज ये वर्ड्स आई, ये जीरो दिखाएगा उसका फर्स्ट कैरेक्टर, एंड वर्ड्स आई ऑफ वर्ड्स आई डॉट लेंथ -1। सो ये बेसिकली लास्ट कैरेक्टर दिखाएगा। अब बस हमें चेक करना है कि ये जो कैरेक्टर वन बोल देते हैं इसे कैरेक्टर टू बोल देते हैं। अगर ये दोनों कैरेक्टर वॉवेल हैं सो हम अपना काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, आंसर प्लस प्लस, एंड लास्ट में हम आंसर रिटर्न कर देंगे। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में और कुछ नहीं था, हमें बस चेक करना था वो सारी स्ट्रिंग्स। एक लूप हम रन करेंगे, सो आई इक्वल टू लेफ्ट से आई लेस देन इक्वल टू राइट तक प्लस प्लस आई, एंड हम चेक करेंगे उस वर्ड आई के लिए क्या वो वॉवेल स्ट्रिंग है। कैसे चेक करेंगे? उसका फर्स्ट कैरेक्टर अगर वॉवेल होना चाहिए एंड लास्ट कैरेक्टर वॉवेल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम आंसर प्लस प्लस कर देंगे। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सो जो सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, सो फर्स्ट थ्री प्रॉब्लम्स इस कॉन्टेस्ट में इजी वाले साइड में थे, थर्ड प्रॉब्लम तो रिपीटेड प्रॉब्लम था, फोर्थ प्रॉब्लम नहीं हो पाया, बट सेकेंड एंड थर्ड वेर इजी। सेकेंड प्रॉब्लम में पूछा गया था कि प्रीफिक्स हमें फाइंड करना है, कितने प्रीफिक्स मैक्सिमम पॉसिबल हैं जिनका स्कोर पॉजिटिव हो। सो इसमें हमें पूछा बोला गया हमें एक इंटीजर एरे गिवन है नम्स करके, एंड हम उसके एलिमेंट्स को रीअरेंज कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में, एंड प्रीफिक्स अरे हम ऐसा फॉर्म हो उसका कि जो नंबर ऑफ प्रीफिक्स वैल्यूज जो पॉजिटिव हो वो मैक्सिमम हो पाए। सो वही हमारा स्कोर हो जाएगा, तो मैक्सिमम स्कोर फाइंड करना है। तो इसको मैं बताता हूँ कैसे। सो हमें एक नम्स एरे गिवन है और हम वैल्यूज़ को रीअरेंज कर सकते हैं, एंड थर्ड क्या है, जो हमारा प्रीफिक्स एरे फॉर्म होगा सो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज़ जो होंगी उस प्रीफिक्स एरे में वो हमारा स्कोर हो जाएगा, और हमें स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। सो सपोज कोई जो टेस्ट केस इसी का ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट टेस्ट केस है 2 -1 0 1 -3 3 -3। सो जो फर्स्ट टेस्ट केस है 2 -1
01 -3 3 3 2 -1 0 1 -3 3 -3 सो ये कुछ हमारा एरे गिवन है. सो ऑब्वियसली हम चाहते हैं प्रीफिक्स एरे बने उसका पॉजिटिव नंबर्स ज़्यादा हों. सो ये तभी होगा जब हम हमारे जो प्रीफिक्स एरे हो उसमें स्टार्टिंग में जो वैल्यूज़ हों वो पॉजिटिव हो. सो एक तरीका है कि हम इस एरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दें. उससे क्या होगा, जो बड़ी वैल्यूज़ हैं बिग वैल्यूज़ हैं वो स्टार्टिंग में आ जाएंगी और जो मैक्सिमम प्रीफिक्स स्कोर जो हो पाएगा वो हमारा इसी एरे के लिए फॉर्म हो पाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले. सो इसका अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो फर्स्ट में मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट में आएगी, फिर 3 2 1 0 -1 -3 एंड -3. सो ये हो जाएगा इसको सॉर्ट करने पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये एरे फॉर्म हो जाएगा. इसके लिए अगर आप प्रीफिक्स एरे बनाओगे तो क्या होगा, 3 and sum of this is like 6 सॉरी सम कैसे निकाल रहे हैं एक बार क्वेश्चन में देखना पड़ेगा. सो प्रीफिक्स कंटेनिंग प्रीफिक्स सम ऑफ नम्स आफ्टर रीअरेंजिंग, इन अदर वर्ड्स प्रीफिक्स आई इज द सम ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम 0 to i इन नम्स आफ्टर रीअरेंजिंग इट, स्कोर ऑफ नम्स. ओके 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 सही 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 ठीक है ठीक है. सो इस केस में हमारा फर्स्ट एलिमेंट का प्रीफिक्स सम 3 है, फर्स्ट टू एलिमेंट का प्रीफिक्स सम 5, फर्स्ट थ्री एलिमेंट का 6 and 6 then 5 then 2 then -1. सो ये हमारा एक फाइनल एरे फॉर्म हो पाएगा, प्रीफिक्स एरे ये हमारा. अब इसमें कितने पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6. सो 6 हो जाएगा इस केस में आंसर. सो हमें करना क्या है, हमें हम चाहते हैं हमारा जो प्रीफिक्स एरे हो वो जितना बड़ा हो वो पॉसिबल, जितना बड़ा पॉसिबल हो सके वैसा करें. सो वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी बड़ी वैल्यूज है उनको हम स्टार्टिंग में ला दें या सॉर्ट कर दें डिक्रीजिंग ऑर्डर में. यही था इसको, इस प्रॉब्लम में और कुछ नहीं था. फिर हम प्रीफिक्स एरे उसका फाइंड करेंगे एंड चेक करेंगे कहाँ तक वैल्यूज पॉजिटिव हैं, वो हमारा आंसर हो जाएगा. सो प्रीफिक्स एरे कुछ नहीं है, प्रीफिक्स एरे का मतलब होता है सपोज आईथ इंडेक्स. प्रीफिक्स ऑफ आई क्या होता है, प्रीफिक्स ऑफ आई होता है 0 से i तक का सम. सो प्रीफिक्स एरे फाइंड करने के लिए एक स्टार्टिंग में जो टोटल या सम ऑफ वैल्यू 0 होंगी, फिर हम जैसे जैसे एक लूप रन होगा हमारा 0 से n तक n-1 तक, हम हर बार क्या करेंगे जो हमारा सम है उसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे, उसमें वैल्यू ऐड करते जाएंगे जो हमारा नम्स की वैल्यू है नम्स आई. सो ये हमें क्या दे देगा, 0 से i तक का सम एंड यही हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा, प्रीफिक्स ऑफ i इज इक्वल टू डॉट. सो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है डॉट इज ग्रेटर देन 0 तो हम आंसर प्लस प्लस करते रहेंगे. सो वो आंसर हमारा फिर लास्ट में रिटर्न कर देंगे उस आंसर को. इस प्रॉब्लम में और कुछ नहीं था, हमें बस सॉर्ट करना था डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हम चाहते थे जो बड़ी वैल्यूज हो वो स्टार्टिंग में आ जाए. सो लेट अस मूव ऑन टू थर्ड प्रॉब्लम. थर्ड क्लासिक प्रॉब्लम था, बहुत रिपीट होता है, हमें कई बार पूछा जाता है ऐसे सब एरे फाइंड करने हैं जिसका सम डिविजिबल बाई के हो या जोर किसी के इक्वल हो, इस टाइप के प्रॉब्लम्स. वो सिमिलर वाला प्रॉब्लम था, सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज़ होने थे इस प्रॉब्लम में. सो जैसा आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ोगे, यू आर गिवन 0 index integer array nums, एक नम्स एरे गिवन है और एक ऑपरेशन में हम 2 different indices i and j को सिलेक्ट कर सकते हैं सच दैट i j वैलिड इंडेक्स होने चाहिए
एंड चूज नॉन नेगेटिव इंटीजर के सच दैट kth बिट इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. सो इसका ये मतलब है जो उन दोनों में कॉमन बिट होगी उस बिट को हम रिमूव कर सकते हैं, कोई भी एक बिट को एक ऑपरेशन में. सो हाँ, आ सवेरे इज़ ब्यूटिफुल इफ़ इट इज़ पॉसिबल. सो अगर कोई सवेरे तभी पॉसिबल है अगर उस सवेरे की सारी एलिमेंट्स को हम ज़ीरो बना पाए. सो एग्ज़ाम्पल से समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताना क्या चाह रहा है. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में फर्स्ट में क्या, एक एरे गिवन है नम्स एरे. एक ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं हम, दो डिफरेंट इंडेक्सेस को, टू डिफरेंट इंडाइसेस को चूज़ कर सकते हैं. एंड थर्ड ऑपरेशन, थर्ड हम क्या कह सकते हैं, उन्हें हमने चूज़ कर लिया, उसमें कोई भी बिट जो दोनों में सेट हो उसको हम उसमें से रिमूव कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल 3 and 2, ये दो वैल्यूज़ हैं. कोई एरे हम ले लेते हैं 1, 3, 2. सो आई इज़ इक्वल्स टू 1, जे इज़ इक्वल्स टू 2. तो इस केस में बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन 3 का क्या होगा, 1, 1, बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन 2 का 1, 0. इन दोनों में आप देखोगे ये बिट कॉमन है. सो इस बिट को हम रिमूव कर सकते हैं. कैसे रिमूव करेंगे, सो 2 की पावर k क्या है, kth बिट कॉमन जो बिट है. सो इस केस में k 1 हो जाएगा. सो 3 minus 2 की पावर 1 विच इज़ नथिंग बट 3 minus 2, सो 1 हो जाएगा. एंड 2 minus 2 की पावर 1, तो ये 0 हो जाएगा. सो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारा जो एरे था, एरे चेंज हो जाएगा 1, 1, 0 में. अब हम फिर इंडेक्स आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 1 चूज़ कर सकते हैं. एंड इसमें आप देखोगे 1, 1, सो 0th बिट जो है वो सेम है. सो इसमें ये वैल्यूज़ कैसे चेंज हो जाएंगी, सो जो भी नम्स आई -2 की पावर 0 और नम्स जे -2 की पावर 0, 1 minus 1 विच इज़ 0, 1 minus 1 0. सो इस केस में पूरा एरे को हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये एक गुड सब एरे है. सो आई होप आपको समझ आए क्या इसमें ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहे. अब हमें कैसे अप्रोच करना है. इसमें जो कंस्ट्रेंट्स गिवन थे वो आप देख सकते हो. कंस्ट्रेंट्स गिवन थे वो थे लेंथ जो हो सकती है वो 10 की पावर 5 तक हो सकती है एंड जो वैल्यूज हैं वो अप टू 10 की पावर 6 हो सकते हैं. सो इसके दो अप्रोच, दो सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ. सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ईजी वाले अप्रोच से. वेल, दोनों अप्रोच सिमिलर ही हैं. सो अप्रोच वन में क्या था, हम कर कह रहे हैं बेसिकली ऑपरेशन जो हमारा परफॉर्म हो रहा है वो किस टाइप का ऑपरेशन है, उसमें हम दो सेट बिट्स को रिमूव कर रहे हैं. सो दो सेट बिट्स को रिमूव कर रहे हैं. सो एक सिमिलर ऑपरेशन होता है, इससे ज़ोर का आपको हिंट मिलना चाहिए था. क्यों, ज़ोर में क्या होता है, अगर दो बिट सेट है उनका अगर ज़ोर आप करोगे तो आपको 0 मिलेगा. 1 ज़ोर 1 इज़ 0. दो सेट बिट्स का ज़ोर हमेशा 0 होता है. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इससे मॉडिफाई होगा. अगर कोई सबेरे है, जैसे हमने लास्ट केस में लिया था 1, 2, 3, सो 1 को हम लिख सकते हैं 0, 1, 1 का बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा. 2 का क्या होता है 1, 0, 3 का क्या होता है 1, 1. सो इस केस में आप फाइंड करोगे बिट जो है, बिट की फ्रीक्वेंसी 2 times है, इस बिट की फ्रीक्वेंसी 2 times है. सो बिट अगर इवन टाइम आएगा तो उसका ज़ोर, उस सबेरे का ज़ोर जो होगा वो भी 0 होगा ना, क्योंकि इवन टाइम्स आ रहा है कोई भी बिट. और कोई भी बिट इवन टाइम्स आए तो उस बिट का वो 0 में सेट हो जाता है बिट. सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा. सो ज़ोर ऑपरेशन जो होता है हमारे पास, सपोज कर लेते हैं ये बिट 2 times आ रहा है. सो इसका ज़ोर आप करोगे ना तो ये दोनों बिट्स 0 हो जाए, ये बिट गायब हो जाएगा, गायब इन द सेंस 0 हो जाएगा.
बिटवाइज और ऐसे ही परफॉर्म होता है, सेट बिट्स को वो जीरो मतलब जीरो में कन्वर्ट कर देता है। सो यही था इसका मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो मॉडिफाई होके हो गया कि हमें नंबर ऑफ सबेरेस फाइंड करने हैं जिनका जॉर जो हो वो जीरो हो जाए। सो ये एक फेमस प्रॉब्लम है, पहले भी आया हुआ है। सो अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेते ये पूछना है तो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो जाता। सो अब इसको एफिशिएंटली करते कैसे हैं? सो हम लेफ्ट से राइट एक अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 2 5 3 1 2। टू टू फाइव थ्री वन टू, ठीक है। सो ये हमारा एग्जाम्पल है। सो अब हमें फाइंड करना है कि एग्जॉर कितने सबेरेस हैं जिनका एग्जॉर वैल्यू जीरो है। सो हम लेफ्ट से राइट तक ट्रैवर्स करेंगे, ऑब्वियसली ओ ऑफ एन लॉग एन इज द वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो अलाउड है, क्योंकि 10 के पावर 5 हो सकती है लेंथ हमारे एरे का। सो ब्रूट फोर्स काम नहीं करेगा, हर एक सब एरे के लिए आप जोर फाइंड करते रहो। सो ब्रूट फोर्स में हर एक एरे का सब एरे आप फाइंड करने जाओगे तो एन इंटू एन प्लस 1/2 टोटल सब एरेस हो जाते हैं। टोटल सब एरेस हो जाते हैं उस केस में, तो वो टी एल ही दे देगा। तो हम एक एफिशिएंट अप्रोच यूज़ करेंगे। सो लेफ्ट से राइट जब हम ट्रैवर्स करेंगे 0 से n-1 की तरफ, लेफ्ट से राइट, सो हम एक करंट वैल्यू रखेंगे जो स्टोर करेगा कि आइथ एलिमेंट तक जॉर कितना है वैल्यू उसका, 0 से i तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जॉर वैल्यू क्या है। और एक हम मैप ले लेंगे, बेसिकली मैप या हैश मैप बोल दो, जो काउंट स्टोर करेगा। काउंट किसका? काउंट स्टोर करेगा ये जॉर वैल्यू का, वो जॉर वैल्यू पहले कितनी बार आ चुका है, जॉर वैल्यू की फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा। फ्रीक्वेंसी बोल दो या काउंट जितनी बार आया है अभी तक। सो कॉन्सेप्ट इसमें क्या है? कॉन्सेप्ट यही है, क्यों हम वो फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं। सपोज ये वाला एरे अगर आप लोगे, सो इसकी जॉर वैल्यूज़ का जो एरे फॉर्म होगा वो कैसा फॉर्म होगा? सो इनिशियली हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 जॉर 2 इज़ 2, नाउ 2 जॉर 2 इज़ 0, 0 जॉर 5 इज़ 5, 5 जॉर 3 क्या होता है, 101 एंड 11, इसका जॉर करोगे तो 6 आएगा। 5 जॉर 3 इज़ 6 एंड 6 जॉर 1 इज़ 7 एंड 7 जॉर 2 इज़ 5। सो ये हमारा जॉर का एक एरे फॉर्म होगा, 2 0 5 6 7 5। सो इसमें आप हमें नोटिस क्या करना है, ध्यान देना इस पे। इनिशियली हम 0 से स्टार्ट किए थे, तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे? काउंट स्टोर क्या कर रहा है? काउंट स्टोर कर रहा है कि जॉर वैल्यू आई कितनी बार है। सो लेफ्ट से राइट हम जैसे जाएंगे, सो टू टू कितनी बार आया है जॉर वैल्यू, अभी तक 0 टाइम्स आया तो आंसर हमारा अभी 0 ही रहेगा। सॉरी। फिर नेक्स्ट हम इस पे आएंगे, जॉर वैल्यू 0 कितनी बार आई है, एक बार आई है, हमने इनिशियली 0 से स्टार्ट किया था तो उसको हम काउंट में रखेंगे। सो आंसर हमारा हो जाएगा 1, आंसर प्लस इक्वल टू 1, एक बार 0 आया। फिर 5 पे आएंगे, 5 कितनी बार आया, 0, तो आंसर 1 ही रहेगा। 6 कितनी बार आया, 6 भी 0 टाइम्स आया। 7 कितनी बार आया, 7 भी 0 टाइम्स आया। फिर हम 5 पे आएंगे, 5 कितनी बार आया, 5 एक बार आ चुका है, सो इधर पे 2 हो जाएगा। सो इस केस में जो नंबर ऑफ सबेरेस फॉर्म हुए हैं वो ऑब्वियसली 3 है।
माई राइट थ्री सब एरेस फॉर्म है, लाइक 312 का एक सब एरे हो जाएगा जिसका जॉर वैल्यू जीरो है. नेक्स्ट वी हैव 22, सो ये सब एरे है जिसका जॉर वैल्यू जीरो है. सॉरी सॉरी, थ्री थोड़ी होगा, फाइनल आंसर टू है हमारा. सो यहाँ पे से हमें आंसर मिल जा रहा है. सो बेसिक फंडा क्या है, अगर जॉर वैल्यू रिपीट हो रही है, जैसे आपने देखा यहाँ पे 5 हमें वापस मिल गया, इसका ये मतलब है जो भी वैल्यूज यहाँ बीच में हैं इनका ऑब्वियसली जॉर जीरो होना पड़ेगा, तभी ना हमारी जॉर वैल्यू रिपीट करेगी. सो ये चीज़ समझना था, ये फेमस प्रॉब्लम्स हैं. मैंने जैसे बताया, जैसे सम सब एरे सम जिसका डिविजिबल बाई के, या सब एरे का जॉर इक्वल टू के. सो ये टाइप की फेमस प्रॉब्लम्स पहले भी आई हैं. सो लॉजिक यही है, जब भी जॉर वैल्यू कोई हम आईथ इंडेक्स पे हैं, उस आईथ इंडेक्स पे सपोज हम लास्ट इंडेक्स पे हैं, जॉर वैल्यू 5i, एंड 5 ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, प्रीवियसली 5 आ चुका है. सो इसका मतलब ये है, इस इंडेक्स से इस इंडेक्स के बीच में जो भी एलिमेंट्स हैं उनका जॉर वैल्यू ज़ीरो होगा, उनका जॉर वैल्यू ज़ीरो होगा, तभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, सो यही मेन इसमें कॉन्सेप्ट है. सो एक स्ट्रैटेजी तो ये होगी जिसमें हम जॉर और एक मैप फंक्शन यूज़ करेंगे जो हमें बताएगा कि वो जॉर वैल्यू ऑलरेडी कितनी बार आ चुकी है, उसको हम आंसर में ऐड करते जाएंगे. सो ये एक अप्रोच था. सेकंड अप्रोच जो है इसी प्रॉब्लम का, थर्ड प्रॉब्लम का सेकंड अप्रोच है कि हम जॉर वैल्यू ना लेके, जॉर वैल्यू का ना काउंट स्टोर करके एक बिटवाइज एरे, बिटवाइज एरे फॉर्म कर सकते हैं. सो बिटवाइज एरे क्या करेगा, वो बिटवाइज एरे स्टोर करेगा, जैसे लास्ट एग्जांपल जो था 225, 312 था या 213 था, 312 था. सो 312, सो बिटवाइज एरे स्टोर करेगा बिट्स की फ्रीक्वेंसी, हर बिट्स कितनी बार आ रही है, सो बिट्स की फ्रीक्वेंसी. सो ऑब्वियसली 32 बिट एनफ है जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर करने के लिए, क्योंकि जो भी वैल्यूज़ है वो अप टू 10 की पावर 6 है, एंड 2 की पावर 32 इज़ वे मोर, बहुत बड़ा है, ग्रेटर देन 10 की पावर 6 है. सो हम आराम से 10 की पावर 6 तक की वैल्यूज़ को उस बिट्स में, 32 बिट्स में स्टोर कर सकते हैं. सो एक हम 32 बिट का फ्रीक्वेंसी एरे बनाएंगे जो स्टोर करेगा हर बिट कितनी बार आ रही है. एंड स्ट्रैटेजी रिमेन सेम, स्ट्रैटेजी सेम रहेगी, हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे एंड चेक करेंगे, जैसे ये हमारा एलिमेंट है, सो इस एलिमेंट का फर्स्ट हम स्टोर करेंगे, सॉरी चेंज करेंगे बिट वाई बिट रिप्रेजेंटेशन में, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में. सो इसमें आप देख पा रहे हो जो फर्स्ट बिट है वो सेट है. सो हम अपने फ्रीक्वेंसी एरे था उसमें भी फ्रीक्वेंसी के फर्स्ट बिट को, काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे. सो ऐसे ही लेफ्ट टू राइट हम मूव करते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी बिट जो हमें मिलेगी, फ्रीक्वेंसी एरे जो मिलेगा, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग जॉर पहले आया कि नहीं, हम यहाँ चेक करेंगे वो फ्रीक्वेंसी एरे पहले आया है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी एरे पहले आया है कि नहीं, उसका हम काउंट लेके चलेंगे. सो अगर फ्रीक्वेंसी एरे, हाँ एक और चीज़ का ध्यान देना है कि जो फ्रीक्वेंसी एरे फॉर्म होगा, सपोज फ्रीक्वेंसी आई इज़ 4 किसी केस में, सो हम लास्ट में 4 है, इवन है, मतलब दो दो के पेयर फॉर्म हो सकते हैं, दो पेयर फॉर्म हो पाएंगे दो के. सो वो बिट जो है वो अनसेट हो जाएगी. सो जो भी फ्रीक्वेंसी है हम अपडेट करने के बाद ये भी करेंगे, फ्रीक्वेंसी आई इक्वल टू फ्रीक्वेंसी आई मॉड 2, ये बेसिकली इसलिए करेंगे क्योंकि हम दो का पेयर फॉर्म कर सकते हैं. सो लास्ट में फ्रीक्वेंसी आई मॉड 2, इतनी ही बिट्स रिमेनिंग होंगी हमारे पास, बिट काउंट रिमेनिंग होगा आइथ बिट का, क्योंकि दो दो के पेयर हम फॉर्म करते जाएंगे एंड वो बिट्स को रिमूव करते जाएंगे.
इसलिए फ्रीक्वेंसी आई मॉड टू ये बताएगा कि कितनी बिट्स हमारी बची हैं उस आईथ बिट की जिनको सेट करना बाकी है, अनसेट करना बाकी है। सो इसमें हमारा सेम कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, अगर सेम फ्रीक्वेंसी वाली बिट एरे फॉर्म दो जगह आ रही है, जैसे यहाँ पे आप देख लो स्टार्टिंग जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगा उसमें 0 से 31 तक सारे वैल्यूज जीरो होंगे, इसका मतलब है आइथ बिट की फ्रीक्वेंसी जीरो है। इनिशियली तो सारे बिट्स की फ्रीक्वेंसी जीरो होगी, एक बार भी नहीं आया होगा। फिर हम जब फर्स्ट एलिमेंट पे आए, सो इस केस में हम फर्स्ट बिट को सेट कर देंगे क्योंकि 2 क्या होता है 1 0, इसमें 1 फर्स्ट बिट सेट होती है। फिर नेक्स्ट पे आएंगे, अब हमारा जो फर्स्ट बिट है वो 2 हो जाएगा, ये हमारा फ्रीक्वेंसी अरे परफॉर्म हो गया। लेकिन हमें ये ऑपरेशन भी तो परफॉर्म करनी है, जो भी इवन बिट्स है, इवन ऑड उससे मतलब नहीं होता, हम इसके कितने पेयर फॉर्म कर सकते हैं, लास्ट में कितनी बिट्स बची रह जाएंगी। सो इस केस में हम ऑब्वियसली 2 है तो 2 इवन है और 2 का पेयर हम फॉर्म कर ही सकते हैं। सो हमारे पास 0 बिट बच जाएंगी, पेयर फॉर्म करके हम उस बिट को रिमूव कर देंगे ना। सो ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी अरे अपडेट करने के बाद, हमें ये वाला अपडेट परफॉर्म करना ही है। सो ये बता रहा है कि हमने कोई पेयर फॉर्म किया है आई जे इंडेक्स का और उसमें से आइथ वाली बिट हमने रिमूव कर दिया, इसलिए काउंट हमारा डिक्रीज हो गया। सो ये ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी आई मॉड टू बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में करना। सो सेकेंड इंडेक्स पे जब हम आएंगे तो फिर हमारी इंडेक्स 0200 होगा, फिर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो 0000 हो जाएगा। सो आप देखोगे कि इसी से हमने स्टार्ट किया था। सो काउंट एरे में 1 स्टोर होगा कि ये वाला फ्रीक्वेंसी अरे ऑलरेडी एक बार आ चुका है, तो आंसर हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर हम 5 पे आएंगे, 5 का होता है 101। सो 5 में सेकेंड और 0th बिट सेट होती हैं, सो हम सेकेंड और 0th बिट को सेट कर देंगे। सो 10100 एंड सो ऑन अप टू 31 तक जाएगा ये, 0 से लेके 31 तक। सिमिलरली जब हम 3 पे आएंगे, 3 क्या होता है 11 होता है। सो इसमें आप देखोगे कि 0th बिट का काउंट चेंज हो जाएगा 2 में, एंड फर्स्ट बिट एक बार आएगा, सेकंड बिट एक बार आएगा। सो इस पे मॉड 2 ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे तो ये वाला बिट फिर 0 हो जाएगा। सो ये एरे भी अभी तक कहीं आया नहीं है, 0110000 वाला। फिर नेक्स्ट हमारा 1 है, सो 1 का बिट वाइज रिप्रेजेंटेशन 01 होता है, इसका मतलब 0th बिट। सो 0th बिट आपने यहाँ सेट की है 1110000, ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी एरे चेंज ऐसे। और काउंट भी ऐसा फ्रीक्वेंसी एरे ऑलरेडी पहले नहीं आया है। ठीक है, मूव ऑन करेंगे सेकंड मतलब लास्ट एलिमेंट पे। लास्ट एलिमेंट का लास्ट एलिमेंट 2 है, उसका बिट वाइज रिप्रेजेंटेशन 10 होता है। सो फर्स्ट बिट सेट है, सो फर्स्ट बिट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट कर देंगे, सो 1210000 एंड सो ऑन होती रहेगी। सो यहाँ पे 2 है, 2 मतलब हम पेयर फॉर्म कर सकते हैं। पेयर फॉर्म करने के बाद जो बिट हमारे होंगे वो ऐसे हो जाएंगे। सो आप ये देखोगे ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है ये ऑलरेडी यहाँ पे आया है इस वाले केस में। सो आंसर हमारा यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, कितनी बार आया है, एक बार आया है, तो आंसर यहाँ 2 हो गया। सो इस केस में भी हमें 2 सबेरेस मिले जिसका जो जिनको हम 0 में कन्वर्ट कर सकते थे बेसिकली। सो सिमिलर अप्रोच है, इस केस में हम फ्रीक्वेंसी एरे लेके चल रहे हैं एंड अबव केस में हम जोर लेके चल रहे थे। सो फंडा वही है, फंडा आपको समझना है कि दो वैल्यूज़ अगर आपको सेम फ्रीक्वेंसी अरे बाद में मिलता है जो पहले भी आया है, इसका ये मतलब है उन के बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं लास्ट टाइम जब आया था तब से लेके अभी तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो उनको हम 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं बेसिकली। इवन नंबर ऑफ बिट्स हैं तो उनका हम पेयर फॉर्म कर करके बिट रिमूव करते जाएंगे और
उस पूरे सब एरे को हम जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही मतलब है। सो यही था, आज के तीन ही प्रॉब्लम सॉल्व हुए थे, तो दैट्स ऑल इस वीडियो में। थैंक यू।